बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। फिर मैंने सोचा बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश मीडियम को नहीं समझते होंगे, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, बेहतर लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि मैं एक वीडियो उर्दू के अंदर बनाकर उनको दूं, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से एलसीएम का कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएं। जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम, इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। कॉमन मल्टीपल और या हम इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, एक ही बात, कॉमन मल्टीपल। ये है क्या चीज? कुछ नंबर्स आपको दिए जाते हैं, कम से कम दो होते हैं, और कहा जाता है कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। और भी कई मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड और इजीएस्ट मेथड मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो आपने एलसीएम है क्या, सबसे पहले तो ये बताऊँ, ये जो दो नंबर्स या तीन नंबर या चार या इससे ज़्यादा हमें दिए जाते हैं, तो उनकी मदद से हम एक ऐसा नंबर तलाश करते हैं जो कि छोटे से छोटा नंबर होता है, जिनको वो दो तीन चार या पाँच नंबर जो हमें दिए गए होते हैं, जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया होता है, तो वो नंबर उस एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं इक्वली, इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो वो छोटे से छोटा नंबर एक ऐसा होता है जिसको वो नंबर डिवाइड कर देते हैं बराबर हिस्सों के अंदर इक्वली, जिनका हम एलसीएम तलाश कर चुके होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने है। कुछ नंबर हम सपोज कर लेते हैं, मेरे पास एक नंबर मैं 9 ले लेता हूँ, एक हम 12 ले लेते हैं, एक हम 18 नंबर ले लेते हैं, और एक मैं ले लेता हूँ 23। जी, अब देखिए आपने इस तरह से एक ग्रिड बनाना है, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपने एक छोटे से छोटा नंबर अपने जहन में सोचना है जो कि इन तमाम को डिवाइड कर दे। अगर इन तमाम को डिवाइड ना कर सके, जैसे 23 है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ, ये इसके अलावा इसके और फैक्टर्स नहीं हैं। तो जबकि 18, 12 और 9 ये डिवाइड हो सकती हैं एक नंबर पे, 3 पे। तो कम अज़ कम आप एक छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर अपने जहन में सोचें जो इन तमाम को डिवाइड कर दे। अगर तमाम को वो डिवाइड ना कर सके, तो कम से कम इनमें से दो को तो ज़रूर कर दे, दो से ज़्यादा को कर दे तो बहुत बेहतर, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट वो टू को, किसी भी दो को वो डिवाइड करने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो है वो 3 कंसिडर कर लेता हूँ, ये वो 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी कर देगा। लेकिन मैं चाहूँगा, अच्छी बात ये है, गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, कि आप छोटे से छोटा नंबर देखें। अब मैं पहले 2 से शुरू करूं, तो 12 जो है वो भी डिवाइड हो रहा है और 18 भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूं। फिर 9 6 द 2 12 और 9 द 2 18 और 23 चूंकि नहीं डिवाइड हो रहा, हमने इसको एज इट इज लिख लिया है। इसके बाद एक और नंबर हम देखते हैं जो कम अज कम दो को डिवाइड कर दे। कम अज कम दो के लिए यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 द 3 9 है, 3 द 2 6 है, 6 भी डिवाइड हो गया 3 पे, अगेन ये 3 पे डिवाइड हो गया, ये 23 है, ऐसे ही मैंने लिख लिया। इसके बाद एक और नंबर हम सोचते हैं, वो देखें, अगेन 3 को ही हम करें तो ये 2 फिर इसके साथ कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, 3 द 1 3 2 एज इट इज, 3 द 1 3 और 23 एज इट इज। अब आपने ये देखना है इसकी बॉटम में आपके 1 आ जाए, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ये ना तो कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए या तो नीचे ये सारे 1 1 हो जाएं, 1 1 ना हो तो कम से कम ये प्राइम हो जाए, 23 प्राइम है,
तो ये वन है और ये वन है और ये टू जो है ये अगेन हमारे पास प्राइम नंबर है। इस तरह से आपने इसको क्लोज कर देना, अब ये लॉक हो गया, इसको आपने आगे अब नहीं चलाना। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं जी, कैसे निकलेगा? तो एलसीएम इसका निकला है, सबसे पहले आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस तरफ को चल पड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाइड बाई टू, सॉरी, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई 23। अब आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि इसका आंसर क्या आया। देख लेते हैं, 3 2 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 और 23 को मल्टीप्लाई कर दें आप। इसको अब सॉल्व कर लें और देख लें क्या आंसर निकलता है। हम देख लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 23 8 28, हमारे पास 8 28 एक ऐसा नंबर आ गया है जो कि 9 का 12 का 18 का 23 का एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये चारों डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर्स हम चारों को अगर डिवाइड ए वन बाई वन करके देख सकते हैं। पहले मैं दो को चेक करवा देता हूँ, आपको इवेल्यूएट कर लेते हैं। 8 28 डिवाइडेड बाय 9, 9 द 9 81 और 18, 9 द 2 18, देखो इक्वली डिवाइड हो गया। इसके बाद हम 8 28 को डिवाइड कर सकते हैं अगेन 12 पे। 12 द 6 72, 0 और 8, 12 द 9 108 होता है। इस तरह ये 69 आंसर आया, 12 ने इसको डिवाइड कर दिया। इस तरह आप 18 से और 23 से भी डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम है और इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग, एलसीएम से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लिखें कमेंट्स में, मैं आपके लिए और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।